वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बाइक का फ्यूल इंजेक्टर कैसे साफ़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मेन फेयरिंग ओपन करनी पड़ेगी, ये वाली। देन टैंक निकालना पड़ेगा एंड इसको ओपन करने के लिए आपको ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, तो ये सारा भी आपको ओपन करना पड़ेगा यहाँ से। देन सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए आपको ये वाला नट ओपन करना पड़ेगा। शायद ये भी आपको ओपन करने पड़ेगा इस साइड को ओपन करने के लिए। देन सेम अपोजिट इस साइड पे भी होगा। ये ओपन करने के बाद आपको ये सीट ओपन करनी है, देन ये सीट ओपन करनी है। देन यहाँ पे आई गेस एक या दो स्क्रू है, वो ओपन करने के बाद आपका टैंक जो है बाहर आएगा। रिमेंबर आपको ये साइड भी ओपन करना पड़ेगा, ये स्क्रू। देन ये थोड़ा बाहर खींचेगा, उसके बाद ये आपका टैंक बाहर आ जाएगा। बार फिर से बता दूं कि टोटल कितने नट्स ओपन करने पड़े हैं। एक ये वाला, एक आगे वाली फेयरिंग है ये वाला, सेम ये तीन अपोजिट इस साइड में। देन नीचे जाते हैं, एक यहाँ पे जो टंकी के साथ इस वाली फेयरिंग के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देन इसको आगे करने के लिए मुझे एक इस साइड का नट और दो यहाँ के नट्स और एक यहाँ का नट ओपन करना पड़ा है, सेम इतना ही अपोजिट साइड पर। तो ये टंकी यहाँ से फ्री हो गई। और इस साइड में मैंने आपको बताया था दो नट्स होते हैं, यहाँ पे कोई नट नहीं होता। वो नट एक्चुअली यहाँ से फिट होता है, जो कि ये वाला है। तो अब आपकी टंकी पूरी फ्री हो चुकी है, आप इसको बाहर खींच सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे लॉक्स होते हैं, आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड मेक श्योर कि आप अभी तक जितने नट्स खुले हैं उनको अलग रख लीजिए। मेरी पॉकेट पूरी भर चुकी है, क्योंकि अंदर के नट्स के साथ कहीं वो मिक्स ना हो जाए। एंड इस बाइक में काफ़ी सारे नट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं टंकी पूरी बाहर आ चुकी है। एंड आपको जो मेन एंड वो रखी मेरी ऊपर की ऊपर का टैंक कवर, आपको अब ये मेन टैंक निकालना है। उसके लिए बस ये तीन नट है, एक ये सामने, और ये तीन नट खोलने के बाद टंकी अलग हो जाएगी। देन आपको ये वाला वायर और ये वाला वायर अलग करना है, जो कि टैंक से जुड़े हुए हैं। तो ये अलग करते ही आपकी टंकी अलग हो जाएगी, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। टंकी पूरी बाहर आ चुकी है एंड आप देख सकते हैं ये रहा। तो आपको एक और चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, फ्यूल पाइप का। इसमें ऐसा फ्यूल पाइप आ रहा है एंड आपको जो इसका ये ग्रीन साइड का ये नोजल होता है, दो साइड में होता है, एक इधर, दोनों को दबा के आपको इसको ऐसे खींचना पड़ेगा कुछ इस पोजीशन से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी होता है। तो गाइस अभी इस नॉइज़ के लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़, क्योंकि अभी पास मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो जस्ट नॉर्मली मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। आपको इसको इधर से एंड नीचे से ऐसे दबा के खींचना होगा सेम इस पोजीशन से, तो ये टंकी के वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं ये यहाँ निकल चुका है, यहाँ पर पता नहीं क्या कूड़ा पड़ा है। तो एक बार एयर फिल्टर भी चेक कर ही लेते हैं, इसको भी साफ़ कर लेते हैं एयर फिल्टर को। फिल्टर की कंडीशन भी देख सकते हैं, इसको मुझे चेंज किए हुए अप्रॉक्स हो गया 2 महीना। इन 2 महीने में अच्छा खासा गंदा हो चुका है, इसको जस्ट साफ़ कर लेते हैं, नया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर से काफ़ी अच्छा साफ है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूल इंजेक्टर कहाँ पे होता है। तो आप देख सकते हैं ये फ्यूल आ रहा है, तो जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है आपका फ्यूल इंजेक्टर। तो यहाँ से आपका फ्यूल आता है। देन ये आपका है एयर इनटेक, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये प्रॉपरली शो नहीं हो पा रहा है। यहाँ से एयर इनटेक होता है, यहाँ से फ्यूल जाता है। तो ये इस फ्यूल इंजेक्टर का काम होता है इन फ्यूल और एयर को मिक्स करके आगे इंजन तक पहुँचाना। एंड जो एयर कितने पोर्शन में आएगा वो ये रहा थ्रॉटल, ये थ्रॉटल की वायर जा रही है। अगर मैं यहाँ से थ्रॉटल घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं वो घूमेगा आगे से। एंड ये कंट्रोल करता है कि कितना एयर जाएगा एंड कितना फ्यूल जाएगा, एंड उन दोनों का मिक्सचर करके ये फ्यूल इंजेक्टर आगे इंजन तक पहुंचाता है। तो ये बस एक नट से कनेक्टेड है, इसको ओपन करना है। मैं ऑलरेडी लूज़ कर चुका हूँ इसको, तो नट निकालने के बाद आपको इसको थोड़ा ज़ोर से खींचना होगा, एक लॉक से कनेक्टेड होता है, तो ये खींचने पर ऐसे बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्यूल इंजेक्टर कुछ ऐसा होता है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो फ्यूल इंजेक्टर है उसके साथ ही एक वायर कनेक्टेड मिलेगी आपको। तो वायर को जस्ट आपकी बाइक में अलग लॉक हो सकता है, इसको लॉक दबा के आपको ये वायर खींचनी है, तो ये पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा। एंड इसकी क्लीनिंग एंड इसकी सर्विसिंग एंड चेकिंग कैसे करनी है आपको, तो वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ घर पे। एंड
इसकी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड जितने भी बाइक में फ्यूल इंजेक्टर होता है, सबका फ्यूल इंजेक्टर का क्लीनिंग का प्रोसेस सेम ही होता है। तो आपके पास चाहे कोई भी बाइक है फ्यूल इंजेक्टर वाली, आप ये वीडियो देख के उसकी सर्विसिंग एंड क्लीनिंग कर सकते हैं।